पुणे पोस्टकार्ड मामले में एक नया एंगल निकलकर सामने आया है। पुणे दुर्घटना में शामिल 17 वर्षीय लड़के ने दावा किया है कि दुर्घटना के समय उसका फैमिली ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। रियल एस्टेट डेवलपर विशाल अग्रवाल का नाबालिग बेटा उस कार में था जो मोटरसाइकिल से टकरा गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस की पूछताछ में ड्राइवर ने भी इस बात को कबूला है कि कार वही चला रहा था। नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल ने भी पूछताछ में पुलिस को यही बताया कि दुर्घटना के समय उनके ड्राइवर उनकी पोर्श कार चला रहे थे। हाई प्रोफाइल होने की वजह से पुलिस हर एंगल की जांच कर रही है। पोर्श कार के मालिक नाबालिग के दादा से देर रात तक पूछताछ की गई। वहीं पुणे पुलिस ने बुधवार को नाबालिग के पिता को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में रखने की मांग की है। जज को बताया गया है कि किशोर कार चलाना चाहता था, जिसके लिए उसने ड्राइवर से डिमांड की। ड्राइवर ने नाबालिग के पिता को फोन कर बताया और उसके डिमांड के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद पिता ने ड्राइवर से कहा कि वह अपने बेटे को कार चलाने दे। अधिकारियों का कहना है कि ड्राइवर को मामले में गवाह के तौर पर अदालत में पेश किया जा सकता है। पुलिस उस पूरे रास्ते की CCTV फुटेज जुटा रही है जहां जहां से कार गुजरी है। इसी बीच विशाल अग्रवाल का मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया है और हादसे का खुलासा करने की कोशिश की जा रही है। जो कार अपघातग्रस्त कार है, उस कार का डिलीवरी बेंगलोर के डीलर के पास से हुआ है और उसके बाद RTO बेंगलुरु सेंट्रल ये ऑफिस से वहां से टेम्पर रजिस्ट्रेशन जारी किया गया है। टेम्पर रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी 18 मार्च 2024 से लेके 17 सितंबर 2024 तक है और उसके बाद वो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही कंसर्न ओनर की है। तो ये ओनर ने RTO ऑफिस पुणे में 18 अप्रैल 2024 को ये गाड़ी रजिस्ट्रेशन पर्पज के लिए दिखाई थी, उसका इंस्पेक्शन हुआ था, उसके बाद हमारे इंस्पेक्टर ने उसका इंस्पेक्शन करके उसका अप्रूवल भी सेम डे किया हुआ है। लेकिन उसके बाद वो जो प्रिस्क्राइब फी है एक्ट में, जिसको वो फी जो थी, तो वो फी का उन्होंने पेमेंट नहीं किया, इसलिए उसको वाहन सिस्टम पे रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किया गया नहीं। फॉरेंसिक टीम ने भी कार की जांच की है। फॉरेंसिक टीम पहले ही घटनास्थल की फॉरेंसिक जांच कर चुकी है और अब कार की भी जांच की जा रही है। कार के आसपास के कैमरे जैसे तकनीकी पहलुओं की जांच की गई। पुलिस ने कहा कि उन्होंने नाबालिग के पिता का एक फोन जब्त कर लिया है, जो फिलहाल पुलिस हिरासत में है।